हरिओम दोस्तों, अभी मैं कॉलेज से आ गया हूँ और मैंने बनाया है पुलाव। घर से लाया था मैं घी देसी। और ईवा हमारी कर रही है दोस्तों अंदर रेस्ट, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए थोड़ा फाइलों का काम लगा है, तो आजकल बहुत बिजी शेड्यूल है। ईवा को ले आए हैं यहाँ पे घुमाने के लिए। सुबह से दोस्तों बारिश लगी थी तो इसको मैंने रूम में कर दिया था अंदर। ये नहीं खाती, ये नहीं खाती। ईवा नो, ये नहीं खाएगी। ऐसे डर जाते हैं दोस्तों लोग, ये देखिए। ओ तेरी, इन्होंने दोस्तों इसको खाना दिया भी, लेकिन फिर भी ये इन पे अटैक करती है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, अभी खा रही है ये। क्या बनाया था भाई? भात और दाल, चावल और दाल। ये हमारे क्लासमेट हैं, इनकी भी स्टोरी आपको बताता हूँ। हुआ ये था दोस्तों कि हमारे यहाँ पे जो बॉयज़ हॉस्टल है, लड़ाइयाँ होती रहती है लड़कों की आपस में, तो इनकी भी हो गई। और एक लड़के ने रात को 2 बजे पुलिस बुला दी हॉस्टल में, फिर इनको निकाल दिया गया। फिर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक रूम है, ये रूम इन्होंने ले लिया रेंट पे। दिखने में शरीफ है लेकिन लड़ाकू है। ईबू अभी दाल चावल खा रही है। तो दोस्तों ये अगला दिन है, पिछले दिन मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट किया था, सर में भी दर्द लगी है मेरे कॉलेज आने के बाद दोस्तों। फाइलों का काम, ऊपर से एग्ज़ाम लगने वाले हैं 10-11 दिन बाद, ऊपर से इसका फिर खाना बनाने का, बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, क्या बताऊँ, वीडियो शूट करने का, वीडियो एडिट करने का। अभी देखना दोस्तों ये अटैक करेगी, ये देखो। आजकल दोस्तों मेटिंग का सीज़न चला है तो शेरू 5 दिन बाद आया, मैं आपको दिखाता हूँ। और याद नो, अभी ले चलते हैं इसको घुमाने। दरअसल बारिश लगी है लेकिन अब घुमाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो यहीं पे मुझे साफ करना पड़ेगा नीचे फर्श पे। फिर ये नहीं खाएगा, इन खाएगा, एक जगह खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इवानो देखा, आ जाओ साइड में हो जाओ। घुमाएगा इसको, घुमाएगा लेकिन ना पक्का पकड़ो, सड़क की तरफ ना जाए ये। चलो इबू। तो अभी दोस्तों हम सोशलाइज करवा रहे हैं इसको। पानी भरने जा रहे हो? हाँ। स्कूल लग गए? नहीं नहीं, 2 साल नहीं लगे। 2 साल हो गए? डर तो नहीं लगा? यहाँ दोस्तों थोड़ा टाइट सा बांधना पड़ता है मुझे, ताकि वहाँ तक ना पहुँचे, क्योंकि वो वाले जो रूम हैं, यहाँ के लोग जब इधर से आते हैं तो ये अटैक कर देती है।
in time. When you say you won't. फ्रेश बीन्स बची थी सुबह की, अभी बनाई भिंडी। और हर बार दोस्तों, हर बार मुझसे सब्जी जल जाती है देखो। और कुछ इस तरह के मैं चपाती बनाता हूँ, लेकिन मुझे तो टेस्टी लगती है क्योंकि मैं ही बनाता हूँ ना। यहाँ पे मैंने राशन रखा है, यहाँ पे बर्तन, थोड़ी सी दाल वगैरह, घी वगैरह, और ये आप देखते हैं थोड़े आलू, खीरा, टमाटर, लहसुन, मिर्च, प्याज वगैरह। और ये बैग है, मेरे गांव का एक दोस्त है, वो धर्मशाला में है, यहाँ से 15 किलोमीटर। तो मैं घर से आया था तो उसका सामान लेके आया था साथ में, तो अभी उसके पास पहुँचाना है ये बैग। और यहाँ पे थोड़ा सा ईवा का सामान है, ये जो मैंने दोस्तों हस्की लिया था आज से करीब 5-6 महीने पहले, बड़ा सा जो टीका नहीं था घर में, फिर मुझे देना पड़ा, उसके लिए मैं लाया था। अब ये ईवा के लिए हो जाएगा। और एक मैं मज़ल लाया हूँ, एक मज़ल मैं लाया था, 24 घंटे भी वो यहाँ टीका नहीं था, ईवा ने तोड़ दिया था, अब नया लाया है। और देखिए फुल साइज़ का है दोस्तों, दुकान में सबसे बड़ा मज़ल यही था। और ये देखो, ये तो दोस्तों ये बना रहे हैं खिचड़ी। ज़्यादा तो ये घर में शादी थी तो घर वालों ने दे दी, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ बच्चों को, डेली नहीं दे सकता सारी, तो कभी कभी दे देता हूँ। इसमें मेरा सारा कैमरे वगैरह का सामान है, कैमरे वगैरह का। और इसमें मैंने काजू भी रखे हैं, थोड़े थोड़े करके खाता रहता हूँ मैं। यहाँ दोस्तों पूजा होती है, यहाँ पे ईवा की कुछ दवाइयाँ वगैरह है, ये कुछ मेरी बुक्स वगैरह, और ये छोटा मोटा सामान है, बस यही है। अभी खाना खा लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है दोस्तों, अगर आप एक बार खाओगे तो दूसरी बार हाथ नहीं लगाओगे। ईवा हमारी सो गई है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हरिओम।